बुर्ज खलीफा देख सकते हो आप, ये यहाँ टॉप पर भाई, बहुत करीब पहली बार बुर्ज खलीफा का। और भाई साहब इसको टॉप पर जाने का जो लेवल, मतलब अलग ही मजा होगा ना, सोच नहीं सकते यार। व्यू यार कितना प्यारा है सुहेल भाई। गाइस मुझे मॉल के अंदर मकड़ी दिख चुकी है, स्पाइडरमैन वाली। ये अरे भाई कितनी बड़ी मकड़ी है, देखो। आ चुके हैं दुबई मॉल के अंदर। अंदर का नज़ारा भाई कितना खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखना भाई आगे से ये है, पीछे से वो है। देखना भाई कितनी दूर दिखा रहा है सिनेमा। यहाँ पे हम खड़े हैं, इतनी दूर घूम के चलना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, इसे जाने जाने में एक घंटा। लो जी मैं आधे घंटे का अनुमान लगा रहा था, एक घंटा बता रहा है हमारा सुहेल भाई। कंफ्यूज हो गए यार, दो आगे मिले भटक गए, वो भी भटक गए, दिखे आ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। हो चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। गाइस बहुत दिनों बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है, आज कम से कम 12 दिन हो चुके हैं ब्लॉग अपलोड करे हुए। गाइस मुझे टाइम नहीं मिलता था इसलिए मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करते, आज मैं ब्लॉग अपलोड, कल मैं ब्लॉग अपलोड करूंगा। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। संडे है, मंडे में ब्लॉग अपलोड करूंगा। और अभी सुहेल भाई आए हैं, उनके साथ जरा घूमने जाएंगे। वो भी कह रहे हैं यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा मुलाकात करने का, नाइट ड्यूटी रहती ना, 6:30 बजे उनकी छुट्टी हुई है। अब वो आए हैं मदीना पर, मैं उनके पास जा रहा हूँ। अल्ताफ भाई तुमने कहा था सुहेल को जरूर लेना ब्लॉग में, आज उनसे मुलाकात हो रही है। और गाइस हवा इतनी तेज चल रही है ना, मोबाइल में मेरी आवाज़ नहीं आ रही, फर फर आवाज़ आ रही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, खैरियत है? बहुत दिनों बाद आप हो रही मुलाकात यार, आओ। टैक्सी से आए हो अभी? टैक्सी से आया था ना उधर साइड से। अच्छा उधर खड़ी है या इधर ही चली गई? अभी मैं उधर हुआ है, मैं सोचा तुम उधर से आए हो अलमदीना पे। ये है कैंप मेरा, अलमदीना एक इधर भी है ना पीछे, तुम्हारी मस्जिद के पीछे। हाँ एक इधर भी, दो तीन है यहाँ पे, एक उधर है, एक एरिया हो, कुछ पहले ठंडा ले लेते हैं। मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। नाश्ता तो हमने भी कर लिया यार, तो थोड़ा हम साथ में कर लेंगे, मुश्किल थोड़ी है। अल्ताफ भाई बोल रहे थे कि सुहेल को जरूर लेना भैया, मैं इसी मारे मैंने कहा यार चलो सुहेल भाई जब मुलाकात होगी तो ब्लॉग में जरूर लूंगा। देखने की चाहत है भाई तुम्हें यार, ड्यूटी से आ रहा हूँ अभी, ड्यूटी से आ रहे हैं भाई यार, फुलूस कमा के आ रहे हैं फुलूस। सही ये देखोगे या फिर ऐसे ही कहीं और चलना, घूमने वूमने जहाँ लोकेशन अच्छी है। चलो चल रहा है मॉल वगैरह में, वहीं देखेंगे क्या। स्त्री 2 जो लगी है मैंने सुना कि मस्त लगी है मूवी। अरे रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, रिकॉर्ड तोड़ दिया फिर तो यार। चलो देखना है, देखने चल रहा है, पहली बार तुम्हारा भाई दुबई के अंदर जा रहा है फिल्म देखने। क्या बात कर रहे? टैक्सी वाला भूल तो नहीं गया रास्ता, या फिर नया बंदा यहाँ का, लोकेशन यही दिखा रहा है इसमें सेंटर है ना, शायद वही है मेरा यार। टैक्सी वाला भूल गया दिखा यार, ऐसा लग रहा है नया ड्राइवर है अभी, हाथ दिखा दो इसे। चलो खैर टैक्सी तो आ गई है, अब कौन सा मॉल है नाम भी मुझे इन्होंने कल बताया था, मैं भूल गया नाम मॉल का यार, कौन सा नाम, यही है ये भी नहीं है। अबे यार ये भी नहीं है, 1566 है ये, है ही नहीं ये भी। कॉल नहीं हो सकती उसे? कॉल करो यार की बात करो भाई, धूप में खड़े हैं यार हम, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। अब पूछो इससे मैसेज में कहाँ खड़ा भैया, हैं कैंसिल कर दिया, अब नया बुक करनी पड़ेगी गाड़ी। लो भैया ने टैक्सी वाले ने कैंसिल कर दिया कि ये देर लगा रहा है, एक तो भैया वहाँ खड़े हैं इसके इंतजार में, अब इतनी दूर यहाँ पे चल गए, इनने कैंसिल ही कर दिया भाई। फाइनली टैक्सी तो आ गई हमारी, चलो भाई बैठो। आगे बैठोगे पीछे? हैं पीछे बैठेंगे ना, पीछे बैठेंगे यार, जब ब्लॉग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे ही बैठेंगे दोनों। चलो भैया कितनी दूर है सुहेल भाई यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं है। हैं वन पैसिव मेट्रो स्टेशन है ना, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेगा। सुबह की वजह से क्यों ट्रैफिक नहीं मिलेगा? है नहीं संडे है ना, तो ट्रैफिक संडे की बात तो कर रहा हूँ मैं, यही है। हाँ सुहेल भाई चलो फिर यार आओ, मेट्रो में भी फर्स्ट टाइम तुम्हारा भाई बैठने वाला, मतलब दुबई के अंदर। अरे ज़्यादा ही चलना पड़ेगा क्या? ये स्काई व्यू है, स्काई व्यू, ये स्काई व्यू है, मतलब पूरा जो पूरा है इसके अंदर ही दुबई का, मतलब दुबई बुर्ज खलीफा का स्काई व्यू जो ऊपर का व्यू दिखता है ना पूरा। अच्छा ये ऊपर का व्यू है यार, तो बाबा बुर्ज खलीफा गए हो अभी तक? लगे नहीं मैं तो बहुत बार हुई है, अभी बाहर चले गए यार, मैं भैंस क्या 2 महीने हो गए अभी तक मैं कहीं गया नहीं हूँ भाई। हमारा दो ही चीज़ है, मैं तो ऐसा लग रहा है सुहेल भाई घुमाएंगे मुझे सारी जगह है भाई। अभी चलेंगे ना, अभी एमिरेट्स मॉल चलेंगे इसके बाद। हाँ चलो देखते हैं, चलते हैं कहाँ चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, क्या पता व्लॉग में आज ही साले 3 व्लॉग बना के डाल दूँ, छुट्टी 3 हफ्तों की। फोन हमने भले से महंगा ले रखा लेकिन फोटो अभी तक खींचे नहीं है भाई, दुबई आए हुए 2 महीने हो भाई को, एक साल हो गया नहीं, एक साल हो गया। हाँ अभी फोटो भाई का भी एक दो ही है फोटो, बस वो भी बस सेल्फी अपने आप खींच लो, कोई खींच ही नहीं सकता, मतलब खींचते नहीं है भाई, जाहिर सी बात है मनपसंद फोटो खींच ही नहीं सकता कोई, आते ही नहीं ना। हाँ आते नहीं है, सुहेल भाई हमारे फोटोग्राफर, वो अभी हमारे खींचेंगे और हम इनके खींचेंगे। ये कौन सा एरिया है इधर का? ये पूरा दुबई मॉल है, दुबई मॉल है इधर का,
भाई नजारा देखो कितना बिंदास नजारा है। मुझे लगा कि ये जानी पहचानी लग रही है पर ये तो भाई बुर्ज खलीफा ही है भाई, गर्दन नीचे को करनी पड़ेगी जब दिखेगी पूरी। नसीब इतना अच्छा है, मौसम अच्छा है आज। हाँ भाई हवा चल रही है बाहर, अगर व्लॉग बना रही हूँ तो हवा आवाज फर आ रही है, मेरी आवाज पता नहीं आ रही हूँ। हाँ सबसे बढ़िया मैं आ गया ना इसलिए थोड़ा मौसम अच्छा जी भाई, किसान ब्लॉग बना रहा ना इसी वजह से। देखो भैया पास से देख लो बुर्ज खलीफा भाई, यार कुछ शानदार लग रही है भाई। आज खींचेंगे फोटो हमारे बुर्ज खलीफा दादा, फोटो 4-5 खींचती हूँ हमारे बस, वही डाल दूंगा पोस्ट, बस और कुछ नहीं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं 4-5 फोटो के अलावा, वही बहुत है। चलो जी बुर्ज खलीफा देखने का भी सपना पूरा, अब अंदर जाना है उसका भी सपना पूरा करना। आ चुके हैं दुबई मॉल के अंदर, अंदर का नज़ारा भाई कितना खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखना भाई आगे से ये है, पीछे से वो है। सुहेल भाई जहाँ जहाँ घुमा रहे हैं भाई, हम वहाँ घूम रहे हैं क्योंकि हमें साइट पे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए घूम नहीं पाते, अब सुहेल भाई के साथ ही घूमे करेंगे। जा रहे भी लोग में आप सुहेल भाई को देखोगे बस आप। क्यों सुहेल भाई अभी तो कुछ खुला भी नहीं है, अभी वो खुला भी नहीं है, जब इतनी खूबसूरती है, जब खुल जाएगी, जब कितनी खूबसूरती होगी आप सोचो। गाइस मुझे मॉल के अंदर मकड़ी दिख चुकी है स्पाइडरमैन वाली, ये रे भाई कितनी बड़ी मकड़ी है देखो। सुहेल भाई बता रहे हैं हमें अगर इस मॉल में घूमोगे ना तो 10 दिन भी लगातार घूमोगे तब भी तुम्हें पूरा नहीं घूम पाओगे। सुहेल भाई यही बात है नहीं, ये क्या सीन है यार इतनी बड़ी टैबलेट है, क्या सीन से सर्च कर रहा हूँ इसमें। कपड़े वपड़े लेने क्या? कपड़े नहीं मूवी नहीं देखनी है। अच्छा मूवी, हाँ यार मूवी इसके अंदर ही देखनी है, जब मूवी देखना है तो यार इसके अंदर ही तो देखेंगे। मैं भूल गया था ना बुर्ज खलीफा को देख के, यार कुछ है भाई दुबई मॉल का नज़ारा ये देखो। ना भाई कितनी दूर दिखा रहा है सिनेमा, यहाँ पे हम खड़े हैं, इतनी दूर घूम के चलना पड़ेगा कम से कम आधा घंटा लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है इस जाने जाने में, एक घंटा। लो जी मैं आधे घंटे का अनुमान लगा रहा था, एक घंटा बता रहा है हमारे सुहेल भाई। ये दूसरी जगह भी है क्या? चीज दूसरी जगह, हाँ दूसरी जगह चेक कर लो यार, यहाँ तो टांगे फट जाएंगे पूरी यार। बस हवा निकल गई दादा, हम इतने ऊपर हैं यार, मैं तो सोच रहा हूँ नीचे ही चल रहे हैं यार, मजाक से हट गए भाई, मतलब टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे यार, मैं तो ये सोच रहा भाई हम मतलब नीचे चल रहे हैं, मेट्रो से आए ना तो इसी मारे लग नहीं रहा, टॉप फ्लोर पे उतारा मेट्रो ने। मुझे लग रहा है इस मॉल में आके लोग आज 3 बनने और ऊपर से खो जाएंगे। नजारा देखो भाई, नीचे को पानी गिर रहा है, अब भैया आदमी हवा में उड़ रहा है भाई साहब, आज लग रहा है 3 ब्लॉग होंगे, पर मोबाइल ही इतना चार्ज नहीं है, पर कोई बात ना सुहेल भाई का मोबाइल लगा फिर वो 15 प्रो एक्स्ट्रा में लेकर आए हैं इसी मारे, उससे बना लेंगे और इनसे ले लेंगे हम बाद में, कोई मुश्किल नहीं है। लग रहा है 3 ब्लॉग होंगे, एक मॉल का, एक भैया मूवी का, और तीसरा कौन सा कहीं अगर हुआ तो मॉल ऑफ एमिरेट्स चले, मॉल ऑफ एमिरेट्स का आज साला एक महीने की छुट्टी कर दूंगा मैं व्लॉग बना के। ये मैंने रील में या फिर वीडियो में ही देखा भाई, रियलिटी में ये अब देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हांगकांग में आ गए, चाइना टाउन नाम है भाई। देख भाई नज़ारा यार कुछ है भाई वाकई में, सुहेल भाई तुम यार यहाँ ले आए जबरदस्त है, बड़ी मेहरबानी। नीचे चल के खींचे फोटो या फिर अभी पहले टिकट पूछ लेते हैं क्या, मतलब कब से शो स्टार्ट? हाँ चलो टिकट पूछ लेते हैं मूवी का। सिनेमा हॉल भी काफी बड़ा यार, सो भैंस की यहाँ देखना कुछ नज़ारा। ओहो ट्रांसफॉर्मर दिखाता हूँ यार मैं, रुक जाओ एक मिनट, ट्रांसफॉर्मर भाई साहब बना रखा है बिल्कुल मस्त लग रहा है ये देखो यार। हाँ यहाँ बैटरी चाहिए मोबाइल में फुल, बिल्कुल चार्जिंग फुल होना चाहिए, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ये लगा लो भाई इतना बड़ा है, यहाँ आदमी पागल हो जाएगा। तो देखना यार इसका व्यू देखो यार, तुम सब चीज़ छोड़ो इसका व्यू देखो यार, क्या चीज़ बना रखी है यार इन्होंने भाई, गजब यार कुछ है यार। सुहेल भाई मजाक से हट के यार देखना यार बिल्डिंग है भाई साहब, 3D में ऐसे निकाल रखा है, मतलब रियलिटी में पूरा रियल है यार। देखा गेमिंग सेटअप, चलें गेमिंग खेलने, गेम खेलने नहीं यार अभी, पहले मूवी वूवी देखेंगे बस। ये देखना अंदर जैसे कि वीडियो उसमें सॉरी मूवियों में देखा होगा हमने, भूल भुलैया ये है इसके अंदर ऐसा कुछ भाई। मॉल में एमिरेट्स का प्लेन, ये अंदर रेस्टोरेंट होगा है सुहेल भाई, अंदर रेस्टोरेंट होगा ये। हाँ अपने यहाँ हवाई अड्डा, यहाँ पर एमिरेट्स का एरोप्लेन है। लो भाई अभी ऊपर से व्यू दिखाया था मैंने आपको, अब नीचे से व्यू देख लो भाई इसका, ये देखो 1 2 और 2 हैं यहाँ पर झरने भाई, शानदार व्यू है यार। अभी नीचे जा रहे हैं चाइना टाउन में, वहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ फोटोज़। ये ड्रैगन का वो लग रहा है मुझे, स्केलेटन है सुहेल भाई, ऊँट 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 का है? नहीं यार मुझे ऊँट का नहीं लगा, पर यार मतलब ड्रैगन नहीं सॉरी डायनासोर, डायनासोर की स्केलेटन है ये, है ना है सुहेल भाई, लिखा होगा चेक करो। हाँ डायनासोर दुबई डाइनो, इसका एक इधर वो रखा है देखो भाई साहब। इस जिस एरिया में अभी इस टाइम हम हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहाँ सारे रेस्टोरेंट हैं देखो,
KFC, पांडा चीनी, जॉलीबी, बेकिन एयर, उमानी, टाइगर शुगर एंड इधर सबवे, मैकडी, सब है यहाँ। खाना खाने का सीन है यहाँ पे, मतलब पूरा फुल सिस्टम। सारे क्लोज्ड हैं, अभी 10 बजे से पहले नहीं खुलने का। हम ज़्यादा सवेर आ गए। सुहेल भाई है, ज़्यादा सवेर उठा के लिया है। सही है ना, घूमेंगे अपने, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या करेंगे। सही है, नहीं और बस पैसा कमाएंगे। सुहेल भाई ने तो सही करके भर रखा है, अकाउंट अड़ रहे हैं पैसों से, गलत तो नहीं करिया? अरे कहाँ, सब घर वाले ले रहे हैं। भाई सब घर वालों को देंगे, खुद कमाएंगे, और कुछ नहीं है, बस कमाना खाना और क्या रहना यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। नहीं घर वाले लेंगे, फिर बीवी लेगी, फिर बीवी लेंगे, फिर बच्चे लेंगे, खत्म कहानी हो गए, बस निकल। इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक ने पेट भर दिया, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। सुहेल भाई है बहुत ज्यादा भर दी, ओवरलोड कर दी। अब मूवी देखते हुए ऐसा नहीं होगा जैसे कि भूख लग रही है। अब टाइम हो चुका ना, 10:45 का शो है, जाते हैं सिनेमा की तरफ। हो गया स्टार्ट? चलो भाई जल्दी चलो, वैसे तो इतना बड़ा खो जाएंगे, मिल पाएगा जाने ना सिनेमा हॉल। देख लो भाई, आइस स्केटिंग चल रही है भाई, बच्चों के लिए। हाँ, अमीरों के बच्चे के लिए भाई, हमारे लिए नहीं। कितना चार्ज होगा इसका सुहेल भाई? 550 ग्राम भाई ना, 550 ग्राम है। एक घंटे का? एक घंटे का ही होगा, बस गरीब सोच सक देख सकता है बस। हम देख सकते हैं भाई, कर नहीं सकते, करेंगे लेकिन जाने कब करेंगे ये पता नहीं है। ये एक्वेरियम इसमें ये जो एक्वा वाला ही है अंडरग्राउंड, उसका चार्ज किया जाता होगा, देखते हैं। चलो आओ, शो तो चालू हो गया, शो देखते हैं। दिल को तसल्ली दे दी हमने इसे देख कर। बात तो सही है। ओ भाई साहब, यहाँ का यार व्यू बड़ा तगड़ा बना रखा है इन्होंने, देखे अलग से अलग ही लेवल है यार। इतने शोरूम में कंफ्यूज हो गया यार, दो आ गए, भटक गए, वो भी भटक गए, आ गए, आ गए, आ गए, वो भी भटक गए थे यार। अब इतने देर बाद अब मिला हमें थिएटर। नींद नहीं आएगी मेरे को, पर जो बात है मूवी बेस्ट है।